الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا الْعَامَالَ قبل أن توزن انتهى كلامه رضي الله عنه تمام تعريف هر قسم كي كبرياء هر क़म का शुर शिक्र एक अल् व वाहद शर्क अकमल हाकम अलमीन ला के लिए है जिस अल्लाबीन ने हम सबको पैदा किया अपनी इबादत के लिए तो़ीक़ देता है तो इबादतें होती हैं ख़ुश नसीब है शादतमंद है वो लोग जिन्हें तोफ़ी मिलती है बड़े बदनसीब और महरूम हैं वो शख्स वो लोग जो तोफ़ी से महरूम होते हैं जो अल्लाह की इबादत से दूर हो जाते हैं हिदायत और दलालत का वो मालिक है जो उसने चाहा वो हुआ जो उसने नहीं चाहा वो नहीं हुआ शमहान अल्लाहमदी शमान अल्लादी सलातुसलाम हो इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी इमाम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया हर खैर की तरफ़ हमारी रहनुमाई फ़रमाई हर शर से हमें आगा और मतनब फ़रमाया दीन दिए दी दीन दी पहुँचा दिया दीन समझा दिया अल्लाह से हमें जोड़ दिया अल्लाहमद का मौसा ही था على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد حمد وصلاة بعد آج 19 الحجة چودہ مطابق 30 أغسطس 2018 हज़ार अट्ठारह जद्दा में एक खसूस मौजू पर एक ख़ास मौजू पर एक मुख्तर खसूसी दर्स आपकी खिदत में पे पेश किया जा रहा है और मौजू जैसे कि आप तक ये बात पहुँच भी गई मौजू के मतलब कि आज का मौजू है इस दर्स का क्या हम तैयार हैं एक सवाल है जो तो मौजू में हमने रखा है क्या हम तैयार हैं मतलब क्या है इसका हमारे सामने एक चीज़ आने वाली है जिससे किसी को किनारा कशी नहीं है सबको उसका सामना करना है हकीकत है कोई शक या वहम और गुमान नहीं है या तस्वर ख्याल नहीं है और वो हकीकत है अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना अल्लाह ताली के पास लौटना वापसी और फिर उसका बंदों का वो उसका बंदों का हिसाब लेना ये हकीकत है तो क्या हम हिसाब के लिए तैयार हैं ये है, है सवाल मतलब सवाल का ये है तैयारी किस चीज़ की अल्लाह के यहाँ जवाब देने की हम सब जवाबदेह हैं वो अल्लाह तबारक तआला जिसने दुनिया में हमें पैदा किया इस दुनिया में हमें मरना है ये भी तय है यकीनी अमर है सबको पता है किसी को यहाँ बका नहीं है अच्छे आए चले गए बुरे आए चले गए अहल तो भी चले गए अहलुशर्क भी चले गए अल्लाह की इबादत करने वाले भी दुनिया से चले गए और अल्लाह की इबादत से मुंह फेरने वाले भी दुनिया से चले गए मौत यकीनी है हमारा ईमान है मौत पर बल्कि दुनिया का हर इंसान इसको मानता है और यही वो एक मौजू है जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है बाकी तमाम मवादी में अख्तलाफात हैं लेकिन मौत पर किसी का इख्तलाफ़ नहीं है कि नहीं हम नहीं मानते हैं मौत को ऐसा नहीं है दूसरी चीज़ जिस पर मेरा और आपका ईमान है और होना चाहिए ईमान और वह है योम आखिरत क़्यामत का दिन वो दिन जो बहुत बड़ा दिन है जिसके जिस दिन के बारे में कुरान ने मुख्त तरीक़ों से बताया है और हम उस पर ईमान रखते हैं अलीमान बिलियमल आखिर आखिरत पर ईमान क़ियामत पर ईमान लाने में ये चीज़ शामिल है ईमान के अरकान में से है ये अलीमान बिलियमिल आखिर आखिरत पर ईमान या क़ियामत पर ईमान तो उस दिन कई चीज़ें होने वाली हैं जैसे तराजू नसब किया जाएगा आमाल तोले जाएंगे आमाल नामा दिया जाएगा अल्लाह ताला बंदों से बात करेगा हिसाब होगा सिरात पर पहुंचना होगा वगैरह वगैरह तो उन्हीं में से एक चीज़ हिसाब है कयामत के दिन अल्लाह तबार व तआला बंदों से हिसाब लेगा ये एक हकीकत है गाशिया की दो आयतें मैंने पढ़ी एक आयत दरअसल उसी को सामने रखकर मौजू बनाया गया क्या हम तैयार हैं मतलब क्या हम अल्लाह के यहाँ हिसाब देने के लिए तैयार हैं तैयारी कहाँ तक हुई है कितनी तैयारी हो रही है ये दरअसल मौजू है कबल इसके मैं इस मौजू पर आगे बढ़ूँ या कुछ बताऊँ अल्लाह का शिक्र अदा करता हूँ अल्लाह का अल्लाह की तारीफ़ और उसकी बड़ाई बयान करता हूँ हज के खैर खूबी से ख़त्म होने पर और उसके अलावा ईद के खैर खूबी से ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह ये महज़ अल्लाह का फजल उसकी रहमत रही कि लोगों ने हज भी किया लोगों ने जानवरों की कुर्बानी भी दी अरफात का रोज़ा भी रखा ये सब अल्लाह का करम है अल्लाह तबारक व तला का फ़जल है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तला हजों के हज को कबूल फ़रमाएँ अरफात के रोज़ा रखने अरफा के दिन रोज़ा रखने वालों के रोज़े को और ईद के दिन क़ुरबानियाँ जो दि, जिन लोगों ने दी हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमा लें आदमी को हमेशा फ़िक्र होनी चाहिए कि उसका अमल कबूल हो जाए और आ, अमल के ख़त्म होने के बाद दो चीज़ें सलब से मनकूल हैं एक कबूलियत की कसरत से दुआ दूसरी चीज़ शोकर अल्लाह और मोमिन की जिंदगी जो गुजरती है दो चीज़ों के दरमियान उसकी ज़िंदगी गुजरती है एक डरना और दूसरे उम्मीद डर और उम्मीद के दरमियान ईमान वाले की जिंदगी गुजरती है वो डरता भी है कि कहीं उसका अमल रद्द न कर दिया जाए रिजेक्ट ना हो अदम कबूलियत का डर लगा रहता है तो वहीं उसकी उम्मीद भी रहती है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की जब अपने अमल को देखता है तो उसको डर पैदा हो जाता है जब अल्लाह की रहमत को देखता है तो उम्मीद बढ़ जाती है आमाल की तरफ नज़र दौड़ता है तो ऐसा तो क्या है ये अमल मैंने अल्लाह के सामने किया है ये अमल मैंने अल्लाह के लिए किया है अपने आमाल की तरफ जब नज़र उसकी पड़ती है तो बहुत थोड़े हैं सही भी नहीं है उसमें तकसीर हुई है उसमें कमी हुई है वो कमाल के नहीं है और अमल किसके लिए किया जाता है और वो कमाल का है उसकी जात कमाल की उसके नाम कमाल के उसकी सिफार कमाल की उसके लिए अमल भी कमाल का होना चाहिए सही है या नहीं सही। है। तो जब देखता है कि उसकी जो इबादतें हुई हैं जो अमल उसने किया है वो उस बड़ी जात के लिए जो किया है ये बहुत कम है और सही भी नहीं है जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है सही है ना भाई दुनिया में कोई भी इंसान जितना अमल कर ले वो मुकम्मल नहीं होता उसमें तकसीर होती है, उसमें कमी वाक होती है। तो जब अपने अमल की तरफ देखता है क्योंकि अल्लाह ताला के लिए जो अमल किया जाए अल्लाह बहुत बड़ा है अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है वो बहुत अवीम है उससे अजमत वाली कोई शय नहीं है तो उसके लिए जो इसने पेश किया है अमल अल्लाह के लिए किया था لله لله صلاتي ومماتي لربك सलाह حر سب الله के लिए तो अल्लाह के लिए किया जाने वाला अमल इतना मामूली मुख्तसर फिर कमी बेशी उसमें तकसीर दिलजोई नहीं खुशूख नहीं अमाल में तो जब अपने अमाल ये जो मुख्तसर हैं कमी वाले हैं नुख्स वाले हैं इन अमाल की तरफ देखता है तो एक डर पैदा हो जाता है उसके ये अमल अल्लाह कबूल करेगा अल्लाह ने कितना दिया मुझे अल्लाह का कितना करम है मुझ पर अल्लाह का कितना फजल है मुझ पर और मैंने ये किया है बस अल्लाह के लिए तो उसके दिल में डर पैदा होता है किस चीज का कि ये मेरा छोटा सा अमल ये मेरा मुख्तसर सा अमल कबूल होगा ये डर लगा रहता है उसका क्या रहता है कबूल होगा या नहीं होगा इसका डर इसीलिए हम सब की अम्मी सारे ईमान वालों की अम्मी उमोमिन आयशा रदी अल्लाह तहा ने जब एक आयत के बारे में अल्लाह के नबी सब से सवाल किया क्या है वो वह आयतू वो लोग जिनको उनके किए का बदला दिया जाएगा उनके दिल डरे हुए होंगे कि वो अपनी तरफ अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले तो इस आयत के बारे में ये कौन लोग जिनको जिनके किए का बदला दिया गया और उनके दिल डरे हुए थे तो ये कौन लोग हैं जो डरे हुए दिल वाले हैं अल्लाह की पकड़ का डर पूछा क्या ये वो लोग हैं जो जिना करते हैं शराब पीते हैं चोरी करते हैं क्या वो लोग हैं ये तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया नहीं सिद्दीक की बेटी ये वो लोग नहीं है जो गुनाह करके पकड़ का डर जिनको लगा रहता है आयत में जो बद ये वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं यो सल्लून योद नमाज पढ़ने वाले रोजा रखने वाले जक़ात देने वाले हज करने वाले इबादत करने वाले और इनको डर लगा रहता है कि कहीं इनका इनकी इबादतें रद्द ना हो ये वो लोग हैं शायद तो मोमिन की हालत होती है आमाल को देखता है तो क्या होता है डर ये अमल अल्लाह कबूल नहीं करेगा खौफ अदम कबूलियत का किस बात का कबूल नहीं किए जाने का सालीन के बारे में आता है कि हर इबादत के बाद खूब अस्तगफार करते थे हर इबादत के नमाज पढ़ी इस्तफार किया हज किया इस्तगफार किया रोजा रखा स्तग्फार किया कैसे इस्तफार करते थे हालत क्या होती थी सहाबा की और ताबेन की जैसे एक बड़ा गुनाह करने वाला मुजरिम डर कर अल्लाह की पकड़ से अस्तगफर करता है वैसा इस्तफार इनका होता था क्यों इबादत के बाद इस्तवार आमले साले के बाद इस्तवार की हम बात कर रहे हैं क्योंकि तो इनको डर लगा रहता था कि कहीं हमारा ये अमल साल है ये इबादत अल्लाह कबूल ना करे तो ये एक कैफियत होती है फिर जब दूसरी कैफियत देखिए उम्मीद उसको मालूम होता है मोमिन को नहीं मेरा रब थोड़े को भी कबूल करता है मेरा रब थोड़े अमल को भी कबूल करता है उसका वादा है थोड़ा है कमी है लेकिन कबूलियत की उम्मीद है

दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है कि अल्लाह ताला कबूल करता है थोड़ा अमल क्यों ना हो कमी बेशी क्यों ना हो उसमें तकसीर क्यों ना हो तो उसकी उम्मीद क्या हो जाती है बढ़ जाती है फिर अल्लाह की रहमतों को देखता है जो वो सी है उसकी उम्मीद और बढ़ जाती है जब तो उस तरफ नजर पड़ती है तो ये हालत जो है मोमिन की होती है डर भी इधर देखे तो डर उधर देखे तो उम्मीद लेकिन दूसरे लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसा कि मालूम है तो ये जो डर और उम्मीद हज के बाद ज्यादा होनी चाहिए इंसान रमजान के बाद ज्यादा होनी चाहिए डर भी उम्मीद भी बढ़ जाए ये एक ये, ये, ये वक्त है क्यों हज हो गया वो हज जिसके बारे में नबी सला वरमाया मन हज जफम सोकू हज करेगा इंसान और अहराम की पाबंदियों का ख्याल करेगा गुनाओ से अपने हज को बचाएगा तो ऐसे लौटेगा जैसे उसकी अम्मी ने आज ही उसको पैदा किया यानी सारे गुना माफ सुभान अल्लाह और हज मबरूर का बदला जन्नत की शक्ल में ये चीज करके आता है वो हज करके आ रहा है जिस पर ऐसे बड़े बड़े अजर के वादे किए गए हैं बख्शिश जन्नत तो फिर उसकी उम्मीद बढ़ जाती है फिर अपने हज को देखता है मैंने हज कैसे किया तो उसका डर भी होता है कि हज में मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया अल्लाह का हज में मैंने ज़्यादा अल्लाह की इजादत नहीं की तो ये हालत होती है इससे जो है तीन बड़े बड़े फ़ायदे जो है और माने जिक्र किए हैं जो इंसान की ज़िंदगी में पैदा होते हैं ये कैफियत होने से तीन फ़ायदे हासिल होते हैं नंबर एक इस्तार कसरत से होने लगता है जब डर और खौफ की शक्ल होती है तो फिर क्या होता है इंसान की ज़बान पर इस्तफ़ार कसरत से होता है और कबूलीत की दुआएँ ज़्यादा करने लगता है क्या करता है कबूलीत की दुआएँ ज़्यादा करता है और तीसरी चीज़ जो है शुक्र करता है अल्लाह शुक्र बजा लाता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये चीज़ हमारे अंदर पैदा फ़रमाए और ऐसी कैफियत वाली ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हम सबको तोफ़ी अता फरमाए आइए उसके बाद जो विषय के मैंने बताया इन्ना याबाह तो मैं इन्नाबह क्या आयतें थे हैं अल्ला अकबर कुरान है अल्लाह का कलाम है सच्चा कलाम है अफसोस के साथ कि हम कुरान पर गौर नहीं करते कलाम उल्लाह पर इंसान की बातें गहरी बहुत मुफीद होती हैं तो अल्लाह का कलाम कैसे होगा बशर को अल्लाह ने पैदा किया तो बशर के कलाम में बशर के कलम में तासीर होती है तो खाल बशर अल्लाह अज़ वजल उसके कलाम में कैसा असर होगा कितना माना और मफहूम होगा और कीजिए एक एक आय समझने की उसमान और कीजिए सुरगाशिया की शायद पर जो जुमे में पढ़ी जाती सुनना ने है सुन्ना थे नबी सर हमने पढ़ी है सुर आला और सुर गाशियाम पढ़ा करते थे जुम्मे की नमाज में आपने भी देखा होगा बहुत सारे खुतबा पढ़ते हैं उसकी दो आयतें हैं इन अलैना इन याबह पहली आयत दूसरी आयत तो क्या मतलब इना बहू बेश हमारी तरफ ही सबको लौटना है सारे लौट कर किसके पास जाने वाले हैं? अल्लाह ये वापसी यकीनी है ये लौटना तय है कोई शक इसमें चाहे इंसान को जला दिया जाए चाहे इंसान पानी में डूबकर मर जाए जानवर उसको निगल ले या तभी मौत उसकी हो जाए और खबर में सुन्नत के मुताबिक उस के मुताबिक उसको दफन कर दिया जाए या बॉक्स में रख के खबर में रख दिया जाए कोई भी शक्ल क्यों ना इलेना क्या बात है एक आयत हिला देगी आपकी लाइफ को लौट कर हमारे पास आना है किसके पास किसके पास वो जो आपका खालिक है अल्लाह आलमीन हर चीज को जानने वाला हर चीज की खबर रखने वाला रहमान रहीम सख्त अजाब देने वाला आपके जाहिर को जानने वाला आपके बात को जानने वाला दिलों पर जिसकी हुकूमत चलती है जो चाहता है वो करता है उसकी तोफीक के बगैर आप नक हमल नहीं कर सकते उसकी मदद के बगैर आप गुनाहों से नहीं बच सकते लाह क्या पढ़ते हैं लाह बिल्ला वो अल्लाह उसकी तरफ लौटना है दुनिया जाहिर जानती है बातें नहीं पता आप बात कर रहे हो आपके दिल में क्या है अल्लाह अल्लाह जानता है सुनने वाला सामने नहीं जानता आपकी क्या प्लानिंग है क्या नीयतें क्या इरादे हैं इरादा करने से पहले आप क्या इरादा करने वाले हैं आप नीयत करने से पहले कैसी नीयत आपकी होने वाली है क्या करेंगे कहां जाएंगे सब कुछ जानने वाला अल्लाह रबी उसके पास लौटकर जाना है सबको सारे इंसान जो कब्रों में है जो जिंदा हैं जो पहले मर चुके हैं सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है आदमी को यह मालूम हो जाए कि उसको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है यह याद रहे ना तो आदमी तैयारी करता है फुदैल इबन रहमत अलैह के मजलिस में एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे जिनकी उम्र कितनी साठ साल कितने? सिक्सटी ईयर्स उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी हुई है अब तो उन्होंने कहा कि मैं साठ बरस का हो चुका हूं याद रहमतुल्लाह ने फरमाया साठ साल से आप अल्लाह की तरफ जा रहे हो बहुत जल्द आप रब से मिलोगे मतलब साठ साल है और जितनी जिंदगी लिखी हुई है उतना रहेंगे आप जिंदा उसके बाद बताइए कहा तो कहा के देखो साठ साल से आप तर... मौत की तरफ जा रहे हो जब मौत आपकी तय मर जाओगे अल्लाह से मिलोगे ना करीब तो सुनने वालों ने जब सुनाई तो इन्ना व इन्ना ये पढ़ा है ना ये भी आयत जब मुसीबत होती है मोमिनों को तकलीफ होती है तो कालू इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैही राजिऊन पढ़ते हैं ना अब लोग क्यों पढ़ते हैं मुझे नहीं पता कुरान ये कहता है कि मुसीबत में आदमी दुआ पढ़ता है मुसीबत की दुआ है ना ये क्या है दुआ हाँ बेटा अब्दुल वारिस इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैही राजिऊन अबद रहमान इसका माना क्या है सुनो इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैही राजिऊन जब तो ने याद रहमतुल्लाह के उनके शागि ने यह पढ़ा ने मौत की बात सुनी तो इन्ना पढ़ा तो कहा कि इसका मतलब जानते हो इसका मतलब ये है, इन्ना बेशक हम सब किसके हैं अल्लाह के हैं वो इन्ना ही राज और हम सब लौट कर भी उसी के पास यानी किसके पास इस आयत में इस दुआ में दो तो बातें हैं इन्ना लिल्लाह एक बात वही नहीं नहीं राजू दूसरी बात पहली बात इन्ना लिल्लाह हम सब किसके हैं भाई अब्दुल रहमान शाहिद साहब के बेटे हैं लेकिन बंदे किसके हैं अल्लाह के अब्दुल वार हम सब किसके बंदे हैं क्योंकि हमने हम, हम तो सबको पैदा करने वाला कौन है अल्लाह इन्ना लिल्लाह हम सब अल्लाह के बंदे हैं उसके मातेहत है थे, वो जो चाहता है वो होता है हम उसके बंदे हैं वो इन्ना इलेह राजून उसने हमें पैदा किया है दुनिया में हम उसके बंदे हैं जिंदगी गुजार रहे हैं वो हमें मौत देगा एक दिन लौट कर फिर किधर उधर अल्लाह के पास तो उसके बाद फतेल ने याद फरमाया जिस बंदे को ये मालूम हो जाए कि वो अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाला है मरने के बाद उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो जिस अल्लाह ताला जिसकी तरफ ये जाने वाला है लौट कर मरने के बाद वो इससे पूछने वाला है क्या पूछ क्या करने वाला है? हिसाब लेने वाला है सवाल करने वाला है टेस्ट एग्जाम इम्तिहान जिसको ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला पूछने वाला है सवाल करने वाला है उसको चाहिए कि वो जवाब की तैयारी कर ले सवाल होगा तो उसका क्या देना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर huh? सवाल जो yeah. आपका नाम क्या है मेरा नाम रहमान है आप कहां रहते हो मैं रिहाब में रहता हूं आप कहां से हो मैं कराची से हूं मॉडल कॉलोनी शायद जो नर... तो भी है तो सवाल का जवाब होता है क्या होता है सवाल जाओ सवाल जाओ सही है ना इम्तिहान में भी सवाल जवाब तो सवाल करने वाला कौन है जवाब देने वाला कौन हम मिस्कीन फकीर अल्लाह खैर करें नहीं क्या जवाब देंगे कहा के जिसको मालूम हो जाए वो जवाब की तैयारी कर ले बस यही जवाब हिसाब है थम्मा अलैना आई आयत पर सुरेगा इन्ना अलैना हिसाब अल्लाह हम पर उनका हिसाब जार मजरूर पहले आए अल वा इला या इला वहाँ अला जार मजरूर को पहले लाया गया उसकी अहमियत है हमारी तरफ लौटेंगे सारे लोग फिर हम हिसाब लेने वाले हैं उनका बंदों का सबका अगर सिंग वाली बकरी ने बिना सिंग वाली बकरी को मारा उस पर जुल्म किया अल्लाह उससे भी उसका हिसाब लेने वाला है सबसे अल्लाह ताला क्या करेगा हिसाब लेगा पाई पाई का हिसाब हदीसों में आया अल्लाह के नबी फरमाया ما من سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. में से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला बात बात नहीं करेगा। अल्लाह सबसे बात करेगा और आपके और अल्लाह के दरमियान कोई ट्रांसलेटर तर्जुमा करने वाला नहीं होगा बात करेगा अल्लाह सबसे बात करेगा उसके बाद याद दिलाएगा तूने ये किया तूने ये किया तू वो किया सब याद दिलाएगा जो बंदे ने दुनिया में किया अकेले किया सबके साथ किया पता हुआ लोगों को नहीं पता हुआ एवरीथिंग कुल्लू शही हर चीज़ याद दिलाएगा तो देखेगा तो बंदे को एतराफ़ कराएगा अल्लाह ताला, हाँ बोल किया नहीं किया और पूछेगा भी अल्लाह ताला, मेरे फरिश्तों ने जुल्म तो नहीं किया ये सारे तेरे आमाल है ना बंदा तो कहेगा हाँ ये मेरी अल्लाह याद दिलाएगा उसको अल-खबीर, आल हर चीज़ को जानने वाला हर चीज़ की ख़बर रखने वाला याद दिलाएगा याद दिलाएगा याद दिलाएगा और पूछेगा भी मेरे फरिश्तों ने जुल्म तो नहीं किया तुझ पर के? ये तेरा अमल नहीं है किसी और का काम था तेरे ऊपर लिख दिए तो नहीं नहीं सब मेरे ही हैं झूठ तू बोला साजिश तेरी थी चुगलियाँ तेरी थी फितना तूने बर्पा किया सब सब दुनिया में इंसान क्या क्या करता है क्या क्या करता है दुनिया में इंसान लेकिन भूल जाता है कि दो फरिश्ते लिख रहे हैं सही है ना हर चीज उसकी नोट की जा रही है हर चीज़ कि नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता है। मैं एक काम चुपके किया फरिश्ते तो हो सकता है ड्यूटी है उनकी। लिखो, 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 लिखो। सोते भी नहीं हूं इंसान सोता है फरिश्ता सोता है सोते भी नहीं है बिजी भी नहीं हो जाते उनका काम ही है लिखना लिखते हैं ये हमारे नाम होंगे कल क्या के दिन हमें हिसाब देना होगा कैसी कैसी आयतें थे डराने वाले वो खुल्ला इंसान और सुन। एक हर इंसान की गर्दन में हमने उसका नाम है अमाल डाल दिया है तर्जम शायद हर इंसान की गर्दन में हमने उसका नाम है अमाल डाल दिया है कल क्यामत के दिन किताब की शक्ल में उसकी उसका नाम है अमाल उसके सामने होगा एक किताब कहा जाएगा पढ़ो अपना नाम है अमाल आज तुम अपना हिसाब करने के लिए काफी अल्लाह तो लेगा हिसाब लेकिन तुम्हें पता कि तुम कहाँ जाने वाले हो जन्नत या जन्नत रहमतों में या अजाबों में हकीकत है अल्लाह हिसाब लेगा मत के दिन तराजू न सब किया जाएगा किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा हदीस में है जितनी मेहनत की दुनिया में उसका बेहतर बदला आपको आज मिलेगा और आपके की एक की पूरी पूरी सजा आपको दी जाएगी पूरी पूरी सजा अल्लाह तरमाता है वलो एक दूसरी आयत जो सुर आराफ सुर आराफ की आयत है मत के दिन तोला जाना सच है हकीकत है बरहक है पड़ा है भारी हो जाए वही लोग फलाह पाने वाले कामयाब है वन खफत मवाजी न और जिनकी नेकियों का पड़ा हल्का हो जाए

अरे मैं मजाक में बोला था भाई मजाक में बोले तो वो भी नोट कर लिया फरिश्ता मजाक में झूठ कितने लोग बोलते हैं इंसान बालिग होने के बाद से उसकी पकड़ शुरू सही है आम तौर पर जो है बच्चियां कब कबाल होती है पता है मैंने सुनो लड़कों की जो है उम्र आम है आमतौर पर बताई गई फिफ्टीन ईयर्स कितने पंद्रह साल मुलुगत की उम्र जो बताई गई आमतौर पर नबी नबीलाम की हदीस के हिसाब से उम्मत की उम्र है सिक्सटी सेवेंटी ईयर्स बहुत कम लोग उससे आगे बढ़ेंगे सेवेंटी को क्रॉस करने वाले उम्मत का अक्सर तबका नहीं होगा कम लोग होंगे इसीलिए आप देखिए कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो 80 नाइनटी के हैं हयात है में नहीं है ना भाई खत्म हो जाता चले जाते अब हिसाब इन पूरे जिंदगी में होगा बचपन में नहीं जो आपने किया है बुलूगत के बाद से शुरू हिसाब नमाज फराद दो चीजें हैं एक फरायद है एक मुहर्रमत एक काम करने के हैं एक काम नहीं करने के जो करने के काम है किए 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 हिसाब होगा नमाज पांच हकूक हाँ? बीवी बच्चे माँ बाप रिश्तेदार वगैरह 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 करने वाले काम ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स कहते हैं शायद तो ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको फॉलो करना है डिसऑर्डर्स बोलते हैं शायद इसको इंग्लिश उससे बचना है करने वाले काम अवामिर नवाही दो चीजें करो 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 ये करो सच बोलो सच बोले सीधे हाथ से खाए नमाज पढ़ना था पढ़े रोजा रखना था रखे हज करना था किए उम्रा करना था किए बड़ों का अदब करना था किए हासिल करना था किए 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 सवाल नहीं करना था काम एक पूरा चैप्टर है नवाही शर्क, बचे बचने वाले काम दूर रहना जी से शर्क है कुफर है झूठ है गाली है धोखा है खयानतें हैं फितने हैं तकलीफ देना है अपने कौल या अमल से किसी को रिश्वत देना हराम कमाई है वगैरह वगैरह पूरी लिस्ट है है ये सब हिसाब होने वाला से लेकर कितने साल के हैं आप चालीस पैंतालीस तक जिंदा रहे पूरा हिसाब अच्छा चलो भाई चलो हिसाब अपना क्लियर कर लो लोग हिसाब क्लियर करते हैं हिसाब क्लियर होना चाहिए अपना हिसाब क्लियर करने के लिए आदमी को टाइम भी नहीं मिलता कैसे मैं बताता हूं आप हमारे एक दोस्त हैं शेख उमर खोया केरला के दाई सुबह एयरपोर्ट पर हमारी मतलब जॉब चल रही है आठ से तकरीबन दो बजे तक तो कितने तीन दिन पहले आज आज से तीन दिन पहले सुबह उनको इतला आई कि उनके एक साथी केरला के जो इंडिया से आए बीवी बच्चों को छोड़े वो मिले आए यहाँ जद्दा में शरफिया में नेक्स्ट डे इंतकाल हो गया अगले दिन इंतकाल हो ऑफ़िस वालों ने कहा नहीं आपकी आपकी शिफ्ट जो है जीजान जाजान वगैरह जाना पड़ेगा तो इन्होंने कहा गया नहीं नहीं नए थोड़ा बहस हो गई कंपनी वालों से कि नहीं नहीं मैं जिदा छोड़ के ले जाऊँगा यहीं रहा मैं इतने साल वगैरह ये बात हुई रात में आया बंदा सो गया ईशान शाम पड़ा पाबंद था आदमी नमाज का दरस भी देता था जब ये दाई नहीं होते थे तो उनकी जगह वो दर्स देते थे रात में आए सो गए फजर को दरवाज़ा रूम था रूम दरवाज़ा नहीं खुला और वो आदमी फ़जर के बाद कुरान की तिलावत भी करता था अल्लाह रहम फरमाए उस पर विचार आवाज भी नहीं आ रही शायद थक गया होगा सो गया होगा सुबह ऑफिस को भी नहीं आया ऑफिस वाले फोन कर रहे हैं तो फोन भी स्विच ऑफ ये क्या मसला देर हो गई तो फिर शुरत को बुलाए दरवाजा तोड़ के इंतकाल हो गया लाश पड़ी हुई कब इंतकाल हुआ नहीं मालूम क्या उनको टाइम मिला अपना हिसाब करने का मैं ये बताना चाह कहाँ कैसे मौत आ जाए किसी को नहीं पता चलो भाई पता जो देखिए आपको एक साल टाइम मिलेगा क्लियर कर लेना पूरा फरिश्ता आकर कहता है देखो नेक्स्ट ईयर क्लास ऐसा है भाई हिसाब है क्लियर करना है क्लियर करना है क्लियर क्लियर हिसाब किताब क्या किए क्या नहीं इनको बाकी उनको बाकी क्या है भाई भाई किसी को गलती की माफ़ी मांगना भाई अम्मी से माफ़ी अब्बा से माफ़ी शोहर हाँ मसले मसायल ये लो भाई आपकी अमानत ये सप्ला नमाज हाँ नमाज भी पढ़ लिया रेडी अब चलो और कितने एक साल बाकी हैं छः महीने बाकी हैं टाइम मिलता कि जो है अपना हिसाब क्लियर कर लो अचानक मौत आती है अब उसके बाद फिर वापसी होगी दुनिया में अल्लाह के पास तो जाना है यहां वापसी नहीं 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 मैं ज़रा कुछ चीज़ें हैं बाकी हैं ना फिनिश कैसी चीज़ें देखी कितने होशियार जिंदगी हमको गुजारना है पल पल हम गए डर गए एयरपोर्ट पे बल्ला खबर सुन के वो खुद डर गए बोले मैं घर जा जाके मेरा हिसाब कर लेता हूँ तो पूरा शेख उमर खुद बोल रहा मैं देख लो तो क्या क्या है क्या नहीं है मेरे साथ आपको याद करते हैं सर तो आदमी को टाइम नहीं मिलता मोहलत देखिए आपके पास इतना टाइम है जैसे देते ना भाई आपने गड़बड़ की पांच सौ कानून थोड़ा पांच सौ रिया एक महीने का टाइम है भर दो वरना डबल हो जाएगा अब आपको टाइम मिल गया फिर वो रिमाइंडर भी भेजते हैं टाइम खत्म होने वाला है बिल पे कर दो टाइम खत्म होने वाला है वरना कट लें आ रहा है मैसेजेस है ना क्या ऐसी कुछ खबर हमें मिलती है कि आपका टाइम खरीब है आपको बस तैयारी कर लीजिए नेक्स्ट मंथ मरना है आपको फरिश्ता आ रहा है रो कब्ज करने के लिए नहीं ये भी अल्लाह की रहमत है अगर ऐसा मामला हो जाए तो आदमी की नींद खराब हो, हो जाए जिंदगी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी एक साल के बाद मर जाना है एक मौत है मेरी जुम्मे को मरना है हफ्ते को मरना है आदमी परेशान हो जाएगा ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने ये चीज नहीं रखी है बी रेडी गेट रेडी बोलते क्या बोलते गेट ऑलवेज जिससे सलफ कहते थे तैयार थे लफ -e सालीन के बारे में आता था अगर मौत का फरिश्ता आकर उनको कह दे कि तीन दिन के बाद एक हफ्ते के बाद आपकी मौत लेने आपकी रूह कब्ज करने मार थोड़ा सा भी अमल में इजाफा नहीं करते थे सलफ के बारे में आता है हिसाब से जिंदगी वो गुजारते थे यह है तैयारी इसको कहते हैं क्या हम तैयार हैं हिसाब के लिए अल्लाह हिसाब लेने वाला है क्या हम हिसाब के लिए तैयार हैं अब तक पंद्रह साल से अब तक क्या क्या किया क्या हुआ इसके लिए आसान तरीका मैं बताऊँ फुदिन याद रहमुल्ला से ये सवाल किया गया जब उनसे जब उन्होंने ये बात बयान की कि तफसीर इसकी इन्ना इन्न सब अल्लाह के पास जाएंगे अल्लाह हिसाब लेगा और जवाब हमें देना है उन्होंने कहा कि कुछ बताइए आप क्या करें हम कहा कि आसान है उस इंसान के लिए जिसको अल्लाह ताली आसान कर दे क्या, क्या क्या करना कहा कि जो जिंदगी बाकी है ना उसमें नेकमल करो आह सिंह ये गफर कमाकत सबक जो बची जिंदगी है जो नहीं पता कितनी बची हुई है इसमें नेकियां करो माजी के गुना बख्श दिए जाएंगे और अगर तुमने ऐसे नहीं किया जो बची जिंदगी है उसमें नेकियां नहीं की बुराइयां की उस पर भी पकड़े जाओगे माजी के गुनाहों पर भी पकड़े जाओगे फंस जाओ अहन बकी तो आदमी की जो जिंदगी बची हुई है जो नहीं पता नेकियां करते रहना करते रहना करते रहना इसका फायदा क्या होगा माजी में पास में जो गुनाह हुए हैं इन नेकियों से अल्लाह ताला का वादा है कुरान की आयत है अल्लाह का कलाम है यकीनन, नेकियां को क्लीन करते जाती है नेकियां क्या करती है गुनाहों को करते जाते हैं अल्लाह के पास हिसाब देना है एक डर हो, एक फिक्र हो, फिक्र अल्लाह के पास जाना है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब कहां उसको पता था उसका लिखी हुई थी, थी आदमी किस हालत में मरता है कहा मरता है अल्लाह के सिवा कोई जानता लिहाजा रेडी तैयार रहना हिसाब के लिए तैयारी तो कैसी अस्तफ़ार नेकियां करना फराइज में कोताही नहीं करना नमाजों में कोताही हो गई अब नहीं करना इबादतों में कोताही हो गई आगे नहीं करना हुकूक में कोताही हुई आगे नहीं करना डरना बहुत जरूरी है क्यों मुस्तकबिल हमारे सामने है अल्लाह हिसाब लेगा अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा अगर हमारी नेकियां हैं तो अल्लाह तला उसका पूरा बदला देगा जैसे कि उसका वादा है पंजा अबिल हसरत अशरु आयरू तुम एक करोगे नेकी तो मैं तुम्हें दस नकियों का बदला दूंगा और मन जाब सय फलाजा मि एक गुनाह अगर करेंगे तो उसी के मिथिल सजा दी जाएगी लिहाजा गुनाहों से बचते हुए नकियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करते जाना एक रूटीन लाइफ में बनाना हम फ़राइज नहीं छोड़ेंगे नमाज़ें हैं पंचवह पाबंदी से पढ़ेंगे ठीक है अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करेंगे सुबह शाम की दुआएँ हैं थोड़ा सा क्यों ना हो रोज़ाना जो है कुरान की तिलावत करना लाइफ के रूटीन बनाना है असतफार सुबह शाम करना आप मुझे बताइए इस्तफार चलते फिरते कर सकते हैं वो औरतें जिन पर नमाजें नहीं है वो भी इसतगफार पढ़ सकती हैं सही है ना आप गाड़ी में चलते चलते आप मस्जिद जाते जाते कितनी मरतब इस्तफार कर सकते हैं अभी आप ईशान के लिए यहाँ से जाएँ तो यहाँ से कितने कदम मस्जिद है कितनी मरतब इस्तफार पढ़ेंगे नबी कितने इस्तफार करते थे आसान है लेकिन अमल कुरान पढ़ना देखिए आदमी व्हाट्सएप में कितना टाइम लगाता है देखिए कैसर हैं व्हाट्सएप व्हाट्सअप एक घंटा दो घंटे तीन घंटे चौबीस घंटे में से पता नहीं लोग कितने घंटे बेकार की चीज़ों में आ, सर्फ करते हैं जो कि कल क़ियामत के दिन कुछ नहीं होंगे अगर वो हराम है तो उसका हिसाब देना है अगर वह नकियाँ हैं तो ठीक है लेकिन आम तौर पर नकियाँ नहीं होती हैं खाली ख़बरें वो हुआ इमरान खान वहाँ गए यहाँ गए वो मोदी ये बुला के थे वो बोला के थे ऐसा कैसे देखिए कैसे जो महरूमी मैं बताऊं आपको फोन लिया हाथ में देख रहे देख रहे वहां वो ये बोला अरे ऐसी बकरी है बकरी मौसम के बारे में बकरियों के बारे में फूलों के बारे में वो कुत्ता ऐसे 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 के गया हरकत करके गया तो वो, वो देख रहा है लेकिन थोड़ा कुरान नहीं पढ़ता इसी में कुरान भी है डाउनलोडेड है फोन में बैठे बैठे आप कुरान पढ़ सकते कितनी आयतें पढ़ सकते हैं आप है या नहीं आप बताइए खोल के पढ़ के देखिए पांच पढ़ी आप घड़ी देखिए पांच पढ़िए आप पढ़ते हैं नहीं पढ़े तो खूब पढ़ना वरना नहीं पढ़ना पढ़े तो अच्छा है पारा पढ़ना है अच्छा है ज्यादा करना और छोड़ देना सफा पढ़िए रोजाना ऑफिस जाते एक सफा पढ़िए बस कितने मिनट लगेंगे आप लोग जाते हैं लैपटॉप खोलते हैं ना सिस्टम क्या बोलते हैं उसमें एक सफा पढ़ लेंगे जब तक वो रेडी ना हो जाए फॉर योर वर्क आप एक सफा पढ़ ले सकते हैं लेकिन इसकी फिक्र है क्या ये कौन करता है जिसको तैयारी करनी है हमारे पास तैयारी की कोई सोच नहीं है हम बस लाइफ चल रही है चल रही है आया आया फेसबुक फेसबुक कल ईयरबुक आएगा ईयरबुक लेंगे।, लेंगे हमारी लाइफ ऐसी जा रही है तुम लाओ हमें बिजी करो दुनिया में वी आर रेडी टू बिजी वी आर रेडी टू बिजी तुम दुश्मन हो हमारे लाओ हम तुमको पक्का दोस्त समझते हैं हमें व्हाट्सअप दो हमें फेसबुक दो हमें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर दो पूरा या लाइफ को पूरा बेकार की चीजों में बिजी कर दो वी आर रेडी फॉर बिजी इन बेकार चीजें तैयार है लेकिन तोफीक नहीं इतनी के चलो जिंदगी भाई सुबह हो रही है शाम हो रही है कहां हो रही है हमारी सुबह शाम क्या कर रहे हैं हम क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं जन्नत में जाने की अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है पकड़ा है पकड़ेगा अल्लाह तला कवी है अल्लाह कादिर है अल्लाह अल्ला अल्ला सख्त देने वाला है बेशक बे बे बेंत्यार रहमतों का भी मालिक है रहमतें उसके गुस्से से ज़्यादा है आदमी सोचे समझे सलफ साल अपने वक्त को गनीमत समझते थे ज़िंदगी में तैयारी उन्होंने की कामयाब जिंदगी उन्होंने गुजारी हमारा वक्त कहाँ सर्फ हो रहा है इसको ख़ास तौर से काबिल गौर है छुट्टियाँ आ रही थी कि अभी कल क्या है जुमा है परसों क्या है हफ्ता है ना ये दो दिन क्या छुट्टियां हैं कहाँ गुजारेंगे क्या करेंगे क्या बोलेंगे क्या करेंगे इस पर गौर कर लीजिए आज रात देखिए लोग बर्बाद कैसे अपने वक्त को करते हैं कल देखिए परसों देखिए आप छुट्टी छुट्टी क्या करना छुट्टी छुट्टी के बारे में हिसाब नहीं होगा छुट्टी पर हिसाब होगा वर्किंग डेज का भी हिसाब होगा जवानी का भी हिसाब होगा बुढ़ापे का भी हिसाब होगा फिफ्टीन ईयर्स के बाद जो आप कर रहे हैं सबका हिसाब होगा लिया सोच समझ के कीजिए जो भी करना है क्योंकि वो आपके सामने आने वाली चीज आपकी चीज आपके सामने आ रही है आखिरी बात बताकर ख़त्म कर दो आमतौर पर हमारी लाइफ दूसरों के लिए बिजी है दूसरों के लिए मतलब दूसरों के टोह में कहूँ क्या बोलूँ भाई ये क्या कर रहे हैं शायद भाई कब गए कब आए हारिश भाई कब आए अरे वो तो फैमिली को भेज दिए गए थे अभी तुमको क्या लेना है फैमिली को भेजे नहीं भेजे इमरान भाई के कितने बच्चे हैं बेटी इनकी बेटी की शादी हुई नहीं हुई वक्स भी कहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं किराया कितना देते हैं अरे इनके पास नया फोन नजर आ रहा है इनकी जॉब क्या है इनकी घर अरे तुमको लोगों से क्या लेना देना है वक्त हमारा इसी में बर्बाद 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 लोगों की लाइफ लोगों की लाइफ लोगों की, की जिंदगी उसके घर में क्या हुआ हा? सास ने क्या किया बहू ने क्या किया भावच ने क्या किया देवरानी ने क्या किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपना कुछ भी नहीं है फिक्र हिसाब लोगों का मुझे देना है मुझे वकास के घर का हिसाब देना है घर का देना है यार यारे के बच्चों का हिस्सा मुझे देना है नहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा मुझे देना है मेरे अमाल का हिस्सा मुझे देना है तो हर आदमी अपनी फिक्र क्यों नहीं कर रहा है लोगों की टो में लोगों की क्या कहते हैं उसके गीबतों में नजबिल्ला जिंदगी तजस में है? पीछे लगे रहना इनके पास क्या हो रहा है क्या आ रहा है क्या जा रहा है कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं इससे आपका हिसाब ये आपका हाँ अल, अल्लाह ताला आपको आपसे जो इनके मुताबिक नहीं पूछने वाला है। आपको, आपके है में। पहले अपने आपको बचाओ नारा खुद को बचाओ बच्चों को बचाओ किससे बचाओ आम तौर पर ये आपकी जो बातें हो रही है नया रूल आ रहा कहते अरे रूला जो आना है, आता, जो होना है आप क्या कर रहे हो देखो वेर आर यू कमिंग कमिंग छोड़ो फला क्या कर रहे हैं बादशाह क्या कर रहा है बादशाह का बेटा क्या कर को रहा है वो एयरपोर्ट कब खुल रहा है वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो खुलेगा खुलेगा जाएंगे यही है एयरपोर्ट स्कूल बोलते नया एयरपोर्ट अच्छा एयरपोर्ट आएगा आप जो सफर कर रहे हैं वो सफर देखिए जरा आखिरत का सफर जो आपका हो रहा है अल्लाह तला समझने की तो अहम नुकता था जो आखिर में होने कहा हम दूसरों की फिक्र में अपने वक्त को जया कर रहे हैं अपनी कुतों को जया कर रहे हैं हम दूसरों की फिक्र में टेंशन सोच रहे हैं औरतें आमतौर पर हैं। सोच रही सोच रही कैसे? 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 आप क्या कर रही है आंटी जी आप क्या कर रही है आपका अपना हिसाब अल्लाह देने वाला है आपका हिसाब रेडी है आप तैयार है देने के लिए जवाब आप रेडी हैं आपके पास इसकी फिक्र अगर हम कर लें तो इन ये जो जिंदगी है ना हमारी बची खुची काफी है हमारे अल्लाह तब को समझने की तोफ़ी अदा अल्लाह अपनी फ़िक्र करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए अपनी गर्दनों को जहनम से आज़ाद करने की अपने म्मेदारी को कमा हक व अदा करने की जो हमारे मातहत हैं जो हम जिनके मसूल हैं अल्लाह ताली हमारी ज़िम्मेदारी को कमा हक़ अदा करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए आमीन वाक़र रबी असल वरम्हि वर्कमल खैर का फ़र्ज मजदि सुबहदा अरदल फ़िर